नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। लोकसभा में दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 पारित। राज्यसभा की कार्यवाही पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से बातचीत में विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के सहयोग की समीक्षा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नीदरलैंड्स की 3 दिन की यात्रा पर एम्स्टर्डम पहुंचे। सरकार इस शैक्षणिक वर्ष में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत छात्रों, विश्वविद्यालय और शिक्षण प्रणाली पर बोझ को कम करेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया। ये पोर्टल आवेदकों और विभिन्न हितधारकों के बीच सुगम संचार और आवेदनों के जल्द निपटारे को सुनिश्चित करेगी। सरकार ने कहा, देश में 48% से अधिक ग्रामीण परिवारों को अब तक नल से जल की आपूर्ति की जा चुकी है। देश के विभिन्न जिलों में 75 उपभोक्ता अनुकूल डिजिटल बैंकिंग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। विनय मोहन क्वात्रा नए विदेश सचिव होंगे। पाकिस्तान में पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कार्यवाहक प्रधानमंत्री नामित। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ मैच में सनराइजर्स हैदराबाद टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। समाचार संध्या में चंद्रिका जोशी के साथ मैं लवली निगम। लोकसभा में दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 पारित हो गया है। इस विधेयक में अपराधियों की पहचान और आपराधिक मामलों की छानबीन तथा अपराध से जुड़े मामलों के रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था है। इसमें उन व्यक्तियों की पहचान से जुड़े उपयुक्त उपायों को कानूनी स्वीकृति देने की व्यवस्था भी है, जिनमें अंगुलियों के निशान, हाथ की छाप और पंजों के निशान, फोटो, आंख की पुतली और रेटिना का रिकॉर्ड तथा शारीरिक जैविक नमूने और उनके विश्लेषण आदि शामिल हैं। इससे अपराधों की छानबीन अधिक कुशलता से और जल्दी की जा सकेगी। इस विधेयक में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को ये रिकॉर्ड एकत्र करने, इन्हें सुरक्षित रखने और इन्हें साझा करने या नष्ट करने का अधिकार दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक 1920 के कैदी पहचान अधिनियम की जगह लेगा और इससे सबूत एकत्र करने और छानबीन के काम में काफी मदद मिलेगी। एक इसके साथ साथ हमने ये सारे ई प्रयासों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए हमने एक सिस्टम, इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJSB लाए और उसके माध्यम से सारे इनिशिएटिव को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। और ICJS में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, एनालिटिकल टूल, फिंगरप्रिंट सिस्टम और पुलिस स्टेशन तक ये सारी सिस्टम का उपयोग होकर, एनालिसिस होकर, हर थाने में कौन सा अपराध ज्यादा है, हर थाने के अफसर की किस अपराध की नाबूती में दक्षता होनी चाहिए, इसकी ट्रेनिंग किस प्रकार से होनी चाहिए, हर जिले में किस प्रकार के अपराधों को रोकने की व्यवस्था करने की जरूरत है, ये सारा यहां से राज्यों को मान्य दर्जे जाने वाला है। श्री शाह ने सदस्यों से आग्रह किया कि वे इस विधेयक को अलग करके नहीं बल्कि आने वाले जेल अधिनियम नियमावली के संदर्भ में देखें। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने विधेयक लाने की मंशा पर सवाल उठाते हुए मांग की कि लागू करने से पहले इसे व्यापक विचार विमर्श के लिए स्थायी समिति को सौंपा जाए। डीएमके के सदस्य दयानिधि मारन ने भी कहा कि विधेयक स्थायी समिति को भेजा जाए। भारतीय जनता पार्टी के विष्णु दयाल राम ने कहा कि इस विधेयक को राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य सुप्रिया सुले ने कहा कि उनकी पार्टी विधेयक का समर्थन करती है लेकिन इसके कुछ प्रावधानों पर आपत्ति है। बहुजन समाज पार्टी के दानिश अली ने आरोप लगाया कि इस विधेयक में पुलिस को बेहद छूट दी गई है और वो ऐसे व्यक्ति के भी आंकड़े एकत्र कर सकती है जिसका अपराध से कोई लेना देना न हो और फिर उन आंकड़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी की भी नहीं होगी। विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि विधेयक के प्रावधानों का दुरूपयोग नहीं किया जाएगा। भाजपा के डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि देश में केवल 14% अभियुक्त ही दोषी ठहराए जाते हैं जबकि सबूत के अभाव में कई लोग बरी हो जाते हैं।
राज्यसभा की कार्यवाही पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वामदल और डीएमके पार्टी के सदस्य ये मुद्दा उठाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। हंगामे के बीच उपसभापति ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन हंगामा जारी रहा। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वामदल और डीएमके पार्टी के सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव के नोटिस स्वीकार नहीं किए। उनका कहना था कि सदस्यों के पास वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान इस मुद्दे को उठाने का पर्याप्त अवसर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से बात की और हाल के वैश्विक घटनाओं पर चर्चा की। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में भारत इजरायल सहयोग की भी समीक्षा की। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे बहुत जल्द भारत में उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। श्री मोदी ने श्री नफ्ताली बेनेट को उनके कोविड से शीघ्र स्वस्थ होने के लिए शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने इजरायल में हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों में लोगों के मारे जाने पर भी संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन को संसदीय चुनाव में जीत पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि वे भारत और हंगरी के बीच घनिष्ठ तथा मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने के लिए श्री ऑर्बन के साथ काम करना जारी रखेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नीदरलैंड्स की 3 दिन की यात्रा पर आज एम्स्टर्डम पहुंचे। एम्स्टर्डम के शिफोल हवाई अड्डे पर औपचारिक स्वागत के बाद राष्ट्रपति रॉयल पैलेस के लिए रवाना हुए। बाद में राष्ट्रपति कोविंद ने केवकेनहॉफ ट्यूलिप गार्डन भी गए, जहां भारत की प्रथम महिला सविता कोविंद ने नई नस्ल के ट्यूलिप को मैत्री नाम दिया। ये आजादी का अमृत महोत्सव के साथ साथ भारत और डच के बीच 75 वर्ष के राजनयिक संबंधों के सम्मान स्वरूप था। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET का आयोजन किया जाएगा, जिससे छात्रों, विश्वविद्यालयों और समूची शिक्षा प्रणाली पर बोझ कम किया जा सके। शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुभाष सरकार ने लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि इस परीक्षा का उद्देश्य स्नातक कक्षाओं के लिए विभिन्न बोर्डों के छात्रों को एक ही स्तर पर मूल्यांकन के समान अवसर देना है। राज्य मंत्री ने कहा कि छात्र एक ही फॉर्म से एक से अधिक विश्वविद्यालयों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे उन पर आर्थिक बोझ कम होगा और अवसरों में वृद्धि होगी। विद्यार्थी सैकड़ों परीक्षा केंद्रों पर 13 से अधिक भाषाओं में परीक्षा दे सकते हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय बैंक संघ से हाल ही में यूक्रेन से लौटे छात्रों के बकाया शिक्षा ऋण का आकलन करने के लिए कहा है। सरकार ने संघ से इस संबंध में हितधारकों से विचार विमर्श करने के लिए भी कहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि पिछले वर्ष दिसंबर तक कुल 1,319 छात्रों ने यूक्रेन में पढ़ाई के लिए 161 करोड़ 61 लाख रुपए का ऋण लिया था। उन्होंने कहा कि सरकार मौजूदा घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल से लाभार्थियों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से जारी अनुमति, पंजीकरण और लाइसेंस एक ही स्थान से प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। श्री ठाकुर ने कहा कि व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और इसे जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से सरकार नई प्रौद्योगिकी अपना रही है। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल से आवेदन जल्दी निपटाए जा सकेंगे और उनकी स्थिति जानने की सुविधा भी मिलेगी। इस पोर्टल के माध्यम से जो एप्लीकेंट होगा, जब उसने एप्लीकेशन दर्ज की तो उसको ये भी पता होगा कि वो एप्लीकेशन कैसे मूव कर रही है, और बगैर किसी सिस्टम में किसी को पकड़ कर काम कराने के बजाय ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो एक होगा और जो पोर्टल पर इसका काम होगा, वो अपने आप में बहुत बड़ी पारदर्शिता लाएगा और सिस्टम को जवाबदेह भी तय करेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है इससे हमारी क्षमता भी बढ़ेगी और ओवरऑल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। इस पोर्टल से निजी सैटेलाइट टीवी चैनल, टेलीपोर्ट ऑपरेटरों, सामुदायिक और निजी रेडियो चैनलों के सभी लाभार्थियों को डिजिटल इंडिया के व्यापक प्रारूप के अंतर्गत सुविधाएं मिलेंगी। श्री ठाकुर ने कहा कि यह पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
न्यूनतम सरकार अधिकतम प्रशासन मंत्र को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि मीडिया के क्षेत्र में लगातार विस्तार हो रहा है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर की मैं बात करूं, ये एक ऐसा सेक्टर है जो लगातार बढ़ रहा है। 25 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, अगले दो सालों में 30 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। अगर केवल मीडिया की भी मैं बात करूं तो मीडिया में भी सन 2000 में जहां पहला चैनल लॉन्च किया गया था, आज 2022 में 900 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हमारे पास हैं, 1762 से ज्यादा मल्टी सर्विस ऑपरेटर्स हमारे पास हैं और 350 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, 380 से ज्यादा एफएम चैनल्स हमारे पास हैं। तो अपने आप में देख सकते हैं कि आप कितनी ताकत मीडिया के क्षेत्र में बढ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने का कानूनी ढांचे के और सशक्त बनाने पर जोर दिया। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री वैष्णव ने कहा कि कानूनी ढांचे में ऐसी व्यवस्था करना आवश्यक है जिससे निजता के आधार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बना रहे। स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में 33 एम्बुलेंस के परिचालन का शुभारंभ किया। इनमें 13 उन्नत लाइफ सपोर्ट और 20 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस शामिल हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट सोसाइटीज द्वारा कोविड के लिए आवंटित धन के अंतर्गत एम्बुलेंस, मोबाइल हेल्थ यूनिट और मोबाइल ब्लड कलेक्शन वैन के लिए कुछ धनराशि निर्धारित की थी। ये 33 एम्बुलेंस चिकित्सा वाहनों की पहली खेप का हिस्सा है जिन्हें भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा स्वास्थ्य और आपदा से निपटने के लिए भेजा जा रहा है। देश में 48% से अधिक ग्रामीण परिवारों को अब तक उनके घरों में नल से जल की आपूर्ति की जा चुकी है। राज्यसभा में लिखित उत्तर में जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि देश के 19 करोड़ 32 लाख ग्रामीण परिवारों में से अब तक 9 करोड़ 35 लाख घरों में नल से जल की आपूर्ति हुई है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत 2022-23 के दौरान लगभग 3 करोड़ 80 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल पहुंचाया जाएगा। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले 3 वर्ष में कुल 53 नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम पूरा कर लिया गया है। इस अवधि के दौरान उत्तराखंड में अधिकतम 30, उत्तर प्रदेश में 9, बिहार में 5 संयंत्र लगाए गए। जल शक्ति राज्य मंत्री ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि कार्यक्रम के तहत 24,632 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति लागत से लगभग 5,000 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता के निर्माण और पुनर्वास के लिए 160 सीवरेज बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की गईं। उन्होंने कहा कि इनमें से 78 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है। 2022-23 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार देश के विभिन्न जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित की जाएंगी ताकि सुनिश्चित हो सके कि डिजिटल बैंकिंग के फायदे उपभोक्ता अनुकूल तरीके से उपलब्ध हो। वित्त राज्य मंत्री डॉ भगवत कराड ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इन डिजिटल बैंकिंग यूनिटों की स्थापना के लिए फंड की व्यवस्था नहीं की है और उम्मीद है कि चालू कैलेंडर वर्ष के अंत तक ये यूनिट काम करना शुरू कर देंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। भारतीय संविधान और राजनीति विषय पर आपके प्रश्न हमें 5 अप्रैल तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नज़र। लोकसभा में दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 पारित। राज्यसभा की कार्यवाही पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से बातचीत में विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के सहयोग की समीक्षा की।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नीदरलैंड के 3 दिन की यात्रा पर एम्स्टर्डम पहुंचे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया। ये पोर्टल आवेदकों और विभिन्न हितधारकों के बीच सुगम संचार और आवेदनों के जल्द निपटारे को सुनिश्चित करेगी। सरकार ने कहा देश में 48% से अधिक ग्रामीण परिवारों को अब तक नल से जल की आपूर्ति की जा चुकी है। देश के विभिन्न जिलों में 75 उपभोक्ता अनुकूल डिजिटल बैंकिंग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। विनय मोहन क्वात्रा नए विदेश सचिव होंगे। पाकिस्तान में पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कार्यवाहक प्रधानमंत्री नामित और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ मैच में सनराइजर्स हैदराबाद टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। और अब प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी। लोकसभा में आज दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक 2022 पारित कर दिया गया। सदन में इस विधेयक को रखते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार एक नया मॉडल कारागार मैनुअल बना रही है जिसमें कैदियों के पुनर्वास, महिला कैदियों के लिए अलग जेल और खुली जेल सहित अनेक बिंदुओं को समाहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक 2022 को पृथक रूप से देखने के बजाय भावी मॉडल जेल मैनुअल के साथ देखना होगा। उन्होंने कहा कि राज्यों में से चर्चा करने और सुझावों को समाहित करते हुए दुनिया भर में अपराध प्रक्रिया में दोष सिद्धि के लिए इस्तेमाल अनेक प्रावधानों का अध्ययन करने के बाद यह विधेयक लाया गया है। गृहमंत्री ने कहा कि इसमें मानवाधिकार हनन संबंधी सदस्यों की चिंताओं पर ध्यान दिया गया है। श्री शाह ने कहा कि कानून में समय पर बदलाव नहीं करेंगे तो दोष सिद्धि की दर में हम पीछे रह जाएंगे। कांग्रेस, द्रमुक और तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के सदस्यों ने ब्रिटिश काल के बंदी शिनाख्त कानून की जगह केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे इस नए कानून को क्रूर और संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया और दावा किया कि सरकारी तंत्र द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाएगा। विपक्षी सदस्यों ने इस विधेयक को विचारार्थ संसद की स्थायी समिति को भेजने की मांग की। भाजपा ने विधेयक को लेकर विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि इसे राजनीति के चश्मे से ऊपर उठकर देखना चाहिए क्योंकि नए नए अपराध सामने आने और अपराधियों द्वारा नए तौर तरीके अपनाने को ध्यान में रखते हुए जांच एजेंसियों को सबल बनाना आवश्यक है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मिथुन रेड्डी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इस विधेयक से मामलों को जल्द हल करने में मदद मिलेगी और सरकार को संसाधनों की बचत भी होगी। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि का विरोध करते हुए आज लोकसभा से बहिर्गमन किया। सदन में शून्यकाल शुरू होने के साथ ही द्रमुक के सदस्य आसन के निकट पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। इसके बाद कई अन्य विपक्षी दलों के सदस्य भी आसन के निकट पहुंच गए और महंगाई पर चर्चा की मांग करने लगे। पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच शून्यकाल को आगे बढ़ाया। इसके कुछ देर बाद कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वामदल, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल, भाजपा के सीपी जोशी, बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, निर्दलीय नवनीत रवि राणा और कई अन्य सदस्यों ने लोक महत्व के अलग अलग विषय सदन में उठाए। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं यूनिवार्ता के संजीव राठी। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के कारण आज सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। इसके कारण शून्यकाल, प्रश्नकाल तथा अन्य विधायी कामकाज नहीं हो सका। सदन में विधायी कामकाज के एजेंडा के अनुसार आज श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव को गत 30 मार्च को एन षणमुगम द्वारा श्रम और रोजगार मंत्रालय के कामकाज पर शुरू की गई चर्चा का जवाब देना था। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव संशोधन विधेयक 2022 विचार तथा पारित किए जाने के लिए पेश करना था। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा को भी संविधान, अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 विचार तथा पारित करने के लिए पेश करना था। विपक्ष के हंगामे के कारण ये विधायी कामकाज नहीं हो सके। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल,
तृणमूल कांग्रेस के अभीर रंजन विश्वास और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विनय विश्वम ने पेट्रोलियम पदार्थों और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी पर चर्चा के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने यह कहते हुए इन नोटिसों को खारिज कर दिया कि सदस्यों को वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान इन मुद्दों को उठाने का मौका मिल चुका है, इसलिए अब उन्हें शून्यकाल की कार्यवाही चलने देनी चाहिए, क्योंकि शून्यकाल में कई सदस्य जनहित के मुद्दे उठाना चाहते थे। कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा ने पंजाब विधानसभा द्वारा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को पंजाब के अधिकार क्षेत्र में लाने से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा कराने के लिए कार्यस्थगन का प्रस्ताव दिया था, जिसे सभापति ने नामंजूर कर दिया। भोजनावकाश के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई तो उपसभापति सस्मित पात्रा ने श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव से श्रम मंत्रालय के कामकाज पर हुई बहस का जवाब देने को कहा। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि कई वर्षों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को इस सप्ताह सदन में लाने और पारित कराने की मांग की। श्री यादव ने इस पर कहा कि सदस्य जिस नियम के अंतर्गत ये मामला उठा रहे हैं वो यहां प्रासंगिक नहीं है। उपसभापति ने भूपेंद्र यादव से अपना जवाब शुरू करने के लिए कहा, लेकिन इसी बीच कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों के सदस्य आसन के निकट आकर नारेबाजी करने लगे। उपसभापति ने विपक्षी सदस्यों से अपनी जगह पर लौटने तथा कार्यवाही चलने देने की बार बार अपील की, लेकिन इसका असर न होते देख उन्होंने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। बजट सत्र के दूसरे चरण में यह पहला मौका है जब विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर नहीं चली और कोई विधायी कामकाज नहीं हो सका। इससे पहले सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने छह सदस्यों को उच्च सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। इनमें से दो असम, तीन केरल और एक असम से निर्वाचित हुए हैं। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। यदि आप खाद्य व्यवसायी हैं तो आपके पास FSSAI का लाइसेंस होना चाहिए या आप इसके साथ पंजीकृत होने चाहिए। लाइसेंस और पंजीकरण के लिए फॉस्कोस पोर्टल foscoc.gov.in/ पर विजिट करें या FSSAI हेल्पलाइन नंबर 1800112100 पर कॉल करें। विनय मोहन क्वात्रा को नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को आज मंजूरी दे दी। इस समय श्री क्वात्रा नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। श्री क्वात्रा हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लेंगे जो इस महीने के अंत में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज बेंगलुरु में हितधारकों के साथ मंत्रालय की योजनाओं पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्रीमती ईरानी ने कहा कि मंत्रालय का प्रयास महिलाओं को प्रशासन के केंद्र बिंदु में लाना है। उन्होंने कहा कि मिशन पोषण के दूसरे चरण की कल्पना 18 मंत्रालयों के कार्यक्रमों को मिलाकर की गई है। पोषण अभियान मिशन की निगरानी के लिए देश में 11 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को स्मार्ट डिवाइस उपलब्ध कराए गए हैं। 11 लाख से अधिक आंगनवाड़ियों को विकास निगरानी उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। महिलाओं और बच्चों के बीच पोषण मूल्य में सुधार आज जन आंदोलन बन गया है। पोषण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए देश भर में 40 करोड़ कार्यक्रम और जागरूकता अभियान आयोजित किए गए हैं। संकटग्रस्त महिलाओं को मेडिको लीगल परामर्श देने के लिए देश में 704 वन स्टॉप केंद्र काम कर रहे हैं। The Prime Minister was insistent on ensuring that every district has a one-stop center so that women who are distressed victims of violence can under one roof avail of psychosocial counseling, medico-legal support and support from the police infrastructure. Today, 704 one-stop centers are functional currently. And in collaboration with Women Helpline in the country, over 70 lakh women in distress and who have been victims of violence have received support under this intervention. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में
आज बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। हमारे संवाददाता ने बताया कि खुफिया जानकारी मिलने पर सुरक्षा बलों ने पुंछ जिले की हवेली तहसील के अंतर्गत नूरकोट गांव में तलाशी अभियान शुरू किया था। राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में सेना ने पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। बिहार विधान परिषद के 24 स्थानीय स्वायत्त चुनाव क्षेत्रों में द्विवार्षिक चुनाव आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गए। लगभग 98% मतदाताओं ने वोट डाले। राज्य के किसी भाग से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। आज के मतदान से 185 उम्मीदवारों का चुनावी भाग्य मतपेटियों में बंद हो गया है। वोटों की गिनती बृहस्पतिवार को होगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 60,612 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 18,053 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 24 पैसे मजबूत हुआ। रुपया घरेलू मुद्रा बाजार में 75.55 रूपये प्रति डॉलर के कारोबार के साथ बंद हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अब सोना 51,290 रूपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। चांदी 66,895 रूपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश गुलराज अहमद को देश का कार्यभार प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी के वरिष्ठ नेता फवाद चौधरी ने बताया कि पार्टी की कोर समिति की स्वीकृति के बाद श्री इमरान खान ने यह घोषणा की। इससे पहले राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने श्री इमरान खान और विपक्षी नेता शहबाज शरीफ को आज पत्र भेजकर कार्यभार प्रधानमंत्री की नियुक्ति पर सलाह मांगी थी। राष्ट्रपति अल्वी की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि कार्यभार प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने तक इमरान खान ही प्रधानमंत्री बने रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संसद के पुस्तकालय में भारत के स्वाधीनता संग्राम के बारे में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस प्रदर्शनी में 1757 से 1947 तक करीब 200 वर्ष के देश के इतिहास से जुड़ी घटनाएं दिखाई गई हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य उन भूले बिसरे नायकों के योगदान को उजागर करना है जिनकी जानकारी देशवासियों को होनी चाहिए। सरकार ने आज भारतीय एथलेटिक्स और नौकायन टीमों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव के लिए 3.5 करोड़ रूपये से अधिक की मंजूरी दी है। ये यात्रा इस महीने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल 2022 से पहले निर्धारित की गई है। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना इस समय सनराइजर्स हैदराबाद से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 10 ओवर में 3 विकेट पर 68 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान में आज गणगौर पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि महिलाओं ने घर और मंदिरों में ईसर गौर यानी भगवान शिव और पार्वती की पूजा करके सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। बैंड की मधुर स्वर लहरियों और लोक नृत्यों की प्रस्तुति के बीच जयपुर शहर के परकोटे में आज फिर गणगौर की शाही सवारी निकाली गई। यह शाही सवारी सिटी पैलेस से शुरू हुई तथा त्रिपोलिया छोटी चौपड़ होते हुए ताल कटोरे पर इसका समापन हुआ। देश प्रदेश के हजारों लोगों ने गणगौर की इस शाही सवारी को देखा। दशकों से पर्यटकों का आकर्षण रही यह शाही सवारी कोविड के कारण पिछले 2 साल से नहीं निकाली गई थी। प्रदेश के विभिन्न शहरों में भी आज गणगौर की सवारी निकाली गई। उधर उदयपुर में आज से 5 दिवसीय गणगौर महोत्सव शुरू हो गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 पारित। राज्यसभा की कार्यवाही पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से बातचीत में विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के सहयोग की समीक्षा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नीदरलैंड्स की 3 दिन की यात्रा पर एम्स्टर्डम पहुंचे। सरकार इस शैक्षणिक वर्ष में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत छात्रों, विश्वविद्यालयों और शिक्षण प्रणाली पर बोझ को कम करेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया। सरकार ने कहा देश में 48% से अधिक ग्रामीण परिवारों को अब तक नल से जल की आपूर्ति की जा चुकी है। देश के विभिन्न जिलों में 75 उपभोक्ता अनुकूल डिजिटल बैंकिंग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। विनय मोहन क्वात्रा नए विदेश सचिव होंगे।
पाकिस्तान में पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कार्यभार प्रधानमंत्री नामित और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ मैच में सनराइजर्स हैदराबाद टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।